नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देश में आम चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, अपनी मांगों को लेकर संगठन अपनी आवाज बुलंद करने में जुट गई है। यूपी के बांदा में बुंदेलखंड राज्य की मांग ने भी इन दिनों जोर पकड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले बुंदेलखंड राज्य के पक्षधर संगठन इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने में जुट गए हैं और बांदा में बुंदेलखंड अलग राज्य निर्माण की मांग को लेकर बुंदेलखंड राज्य के पक्षधर संगठनों ने हड़ताल शुरू कर दी है और नव वर्ष 2023 में 9 जनवरी को लखनऊ कूच करने का ऐलान भी कर दिया है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड अलग राज्य बनाने को लेकर पिछले कई दशकों से मांग की जा रही है। बुंदेलखंड अलग राज्य के प्रस्तावित इस नक्शे में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्र शामिल हैं। बुंदेलखंड राज्य की मांग करने वालों का कहना है कि बुंदेलखंड राज्य न बनने की वजह से यहां की खनिज संपदा का दोहन सरकारी कर रही है और उसका लाभ बुंदेलखंड वासियों को नहीं दिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि बुंदेलखंड राज्य बनने के बाद यहां की दशा और दिशा दोनों सुधरेगी और यही वजह है कि कोई भी सरकार बुंदेलखंड को अलग राज्य बनने नहीं दे रही है। आज देश में जो अलग अलग छोटे छोटे राज्य बने हैं वो विकसित और विकासशील दोनों श्रेणी में, हम बुंदेलखंडवासी, हमारा राज्य किसी में नहीं है। हम चाहते हैं 1948 वाला हमारा जो स्वतंत्र राज्य था उसको केंद्र सरकार बहाल कर दे। 1956 में इसको समाप्त कर दिया गया था और हम लोग बड़ी दयनीय दशा में हैं, इसका विकास नहीं हो पा रहा है। सारी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक एकरूपता को समेटे हुए बुंदेलखंड शोभायमान है पूरे विश्व में। यहाँ का कालिंजर खजुराहो पूरे विश्व में चर्चित हैं, लेकिन हमें कंगाली और तंगाली के अलावा कुछ शोभा नहीं दे रहा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, मुख्यमंत्री जी के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने वादा किया था, प्रधानमंत्री जी लोकसभा 2014 के चुनाव में, कि हम 3 साल के अंदर बुंदेलखंड बना देंगे। 8 साल होने जा रहा है, बुंदेलखंड का नामो निशान मिटा दिया इन लोगों ने। इनसे वापस बुंदेलखंड बहाली के लिए, बुंदेलखंड की बदहाली दूर करने के लिए, इसको खुशहाली के लिए हमें बुंदेलखंड राज्य चाहिए।